हे भाई व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और भाई सब, आज के ब्लॉग में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आई नो आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज का वीडियो होने वाला है एक छोटे मोटे साउंड सिस्टम के ऊपर, यानी कि होम थिएटर के ऊपर। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक साउंड सिस्टम परचेस करा था और भाई साहब उसी के ऊपर आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वैसे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी तरीके इस ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग ने इतने अच्छे से कमेंट करें और मैंने एक भी कमेंट का जवाब अभी तक आप लोग को नहीं दिया है। तो दोस्तों, मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि दोस्तों मैं उन सारे कमेंट का जवाब आप लोग को एक और मस्त वाले वीडियो में दे सकूँ। तो भैया, आप लोग ने होम थिएटर को देख ही लिया होगा। ये एक टावर स्पीकर है और बजता काफ़ी ज़्यादा धांसू है। दोस्तों, बहुत दिन से मेरा एक ही ड्रीम था, ड्रीम नहीं, सोच रहे थे कि लेंगे तो टावर स्पीकर ही लेंगे या फिर होम थिएटर तो लेना ही नहीं, क्योंकि उनका जो सिग्नेचर है वो आप लोग को टावर में ही देखने को मिलता है, क्योंकि होम थिएटर बेस मस्त डीप बेस के लिए होता है और टावर जो होता है वो आपको जंप बेस या फिर रोलिंग बेस देखने को मिलता है उसमें, तो उस तरह से आप। और दोस्तों, मुझे जो है ना वो लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने टावर स्पीकर खरीदना सोचा और मुझे मिला ये। प्राइस की बात करें तो मैं इसका लास्ट में आप लोगों को प्राइस बताऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि क्या इसमें फीचर है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक ट्यूटर यहाँ पर और दूसरे वाले में ट्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें 8-8 इंच के दो सब वूफर लगे हैं और एयर पासिंग के लिए 2.5 इंच के ये होल दिया हुआ है, जो पता नहीं मैं इसका नाम तो नहीं जानता, बट दोनों में 2.5 इंच के दिए हुए। और दोस्तों, बजता काफ़ी ज़्यादा धांसू, इसलिए मुझे पसंद आया और मैंने इसे बाय कर लिया। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं कराया बल्कि रिटेलर से परचेस किया है, तो प्राइस आप लोग सोच सकते हैं कि कितना लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस लग गया दोस्तों। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या फंक्शन दिए हुए, यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए बटन दिया हुआ है और इधर म्यूजिक जो है उसे पाउस और प्ले करने के लिए बटन दिया है। इसमें आप इधर साउंड या फिर सॉन्ग्स को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ आपको एक यूएसबी पोर्ट दिया है जहाँ से आप कोई भी यूएसबी पोर्ट थ्रू आप लोग यूएसबी के थ्रू आप लोग सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ये आप लोग को एक बड़ा सा बटन दिया हुआ जो कि 360 डिग्री के राउंड में घूमते रहता है, बस इसी से आपको बेस ट्रेवल एंड वॉल्यूम बटन को कंट्रोल करना है, ठीक है। नाम दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि नाम ये मैक्सटोन कंपनी का है और इसे मैंने 2-3 दिन पहले परचेस किया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका पन्नी भी अभी तक नहीं उतरा हुआ है। इसमें क्या क्या फंक्शन दिया है देखो, देख लीजिए आप लोग भी। इसमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी है तो ये कॉमन सी बात होती है। ये क्या है, NFC मुझे पता नहीं है, USB तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। SD कार्ड का सपोर्ट है बट रिमोट से, जी हाँ दोस्तों ये रिमोट से बजता है और आप इसका वॉल्यूम बेस सब जो है रिमोट से कर सकते हैं। इसका रिमोट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह के डिज़ाइन का इसका रिमोट है। आई नो आप लोग को थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा बट जो भी है, इसका मुझे एक ये डिज़ाइन अच्छा लगा जो राउंड से कट होके निकला है ना, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगा। बट बटन उतना फ्री नहीं लगता है बट काम चल जाता है जो भी है। तो बट रिमोट को रखते हैं साइड में। और दोस्तों ये दो होम थिएटर हैं बस,
होम थिएटर नहीं है मतलब टावर स्पीकर है। बजने में कैसा है दोस्तों, ये मायने रखता है। आप लोग सामने देख सकते हैं एलईडी टीवी लगा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहले मेरे ब्लॉग में दिखाया था, जस्ट उसके नीचे मैंने ये दोनों सिस्टम को लगाया है। तो एक बार इसका साउंड सिस्टम मतलब एक बार इसका साउंड सिग्नेचर सुन के देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या प्राइस रहने वाला है इसका। देख सकते हैं इसमें अभी कनेक्शन आ चुका है, और आप ये बटन पूरा ब्लू कलर का जलता है, और नाइट में और भी ज़्यादा परफेक्ट दिखता है, क्योंकि डे भी है तो लाइट का रिफ्लेक्ट अभी ज़्यादा हो नहीं पा रहा। दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोगों को इसका म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। रोलिंग बेस के साथ ये टावर स्पीकर आता है, और काफ़ी सस्ते दाम में आता है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये मुझे तकरीबन 4,050-100 रुपीज़ का पड़ा है। दोस्तों प्राइस के हिसाब से ये साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होता है। और दोस्तों ये साउंड सिस्टम आप लोग को इस दाम में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग को यह पटना में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं भी इसे पटना से ही परचेज़ करके लाया था, और लाने में जो बैंड बजी हुई दोस्तों काफ़ी भयंकर वाली थी, तो उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो दोस्तों कोई बात नहीं, बट साउंड सिग्नेचर के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के कमाल की वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।